अस्सलाम वालेकुम पाक बिल्ड, मेरा नाम है ज़िशान और हाजिर है एक और बड़ा ज़बरदस्त ग्रैंड शो केस लेके आपके पास। आज हमारे पास एक एक्सट्रीम जो गंदी हालत की गाड़ी है वो हमारे पास है, जो कि 4x4 के अंदर आती है और कारगी की पुरानी और नई रेंज कंप्लीट है। तो आज हम इस गाड़ी के ऊपर थॉरली कारगी की प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। प्रोडक्ट रेंज के अंदर मेरे पास कारगी का नया वॉश एंड वैक्स शैम्पू है, फोमिंग शैम्पू है, गोल्ड मैजिक कार वॉश है, इंटीरियर रबर कंडीशनर है, स्मार्ट विंडो क्लीन है, सुपर डिग्रीजर है, ऑल पर्पज़ क्लीनर है और इंटीरियर ड्रेसिंग है। तो गाड़ी की कंडीशंस आपके सामने है जो कि काफ़ी डर्टी है और एक्सट्रीम डर्टी कंडीशंस के अंदर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करेंगे और उसके अंदर हम सिर्फ कारगी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि इस तरह की कंडीशन की गाड़ी या समटाइम आपने पुरानी गाड़ी खरीदी हो और इस हालत की हो या लॉन्ग से आए हो तो आप उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डर्टी कंडीशन गाड़ी के ऊपर हम फोमिंग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली फोमिंग जो है वो माइल्ड डर्टी कार के लिए ठीक है कि अगर आप टचलेस वॉश करना चाहते हैं गाड़ी को या आपकी गाड़ी ट्रीटेड है तो आप उसको सिंपली वॉशिंग के साथ कर सकते हैं, बट इस गाड़ी के पेंट कंडीशंस को इसके ऊपर डर्ट कंटेनमेंट देखने के बाद में सबसे पहले कारगी का फोमिंग शैम्पू स्टार्ट करेंगे ताकि इसकी डर्ट लूज हो सके फोमिंग की कैपेबिलिटी के साथ और देन हम इसको सेकंड वॉश के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। फोमिंग शैम्पू के पीछे रिकमेंडेड है कि ये 10:1 के साथ डिल्यूट होगा। तो हमारे पास एक जो है 1000 ml की बॉटल है जिसके अंदर हम एक हिस्सा कारगी के फोमिंग शैम्पू का डालेंगे ताकि हम इसको फोमिंग के लिए बना सकें। तो फोमिंग करने के बाद हमारी डर्ट जो है वो फोमिंग के साथ साथ लूज़ होती जा रही है और हम मेन वाले एक डिटेलिंग ब्रश लेंगे और गाड़ी के जो नैरो एजेस हैं जैसे कि फ्रंट ग्रिल, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि फोमिंग के साथ साथ हमारी गाड़ी के अंदर से डस्ट जो है वो निकलनी शुरू हो जाए। इस तरह से आप गाड़ी के पेंट को बचा सकते हैं, उसके ऊपर स्वेल मार्क्स नहीं आएंगे, पेंट बचा रहेगा, निशान उतर जाएंगे। समटाइम ऐसे होता है कि गाड़ी के ऊपर स्पॉट्स पड़े हों तो आप जब उसको मलना शुरू हो जाते हैं तो वो स्क्रैच स्वेल्स डालता है आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर। तो हम इसकी कॉर्नर एरियाज़ जहाँ पे मिट की रीच नहीं हो सकेगी वहाँ पे ब्रश के साथ इसकी क्लेंजिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा थिक फोम है, थिक फोम के साथ साथ ये सारी डर्ट नीचे लूज़ होती जा रही है। मैं अगर आपको कैमरे से दिखा सकूँ तो नीचे डर्ट का आप देख सकते हैं कि ये सारी गाड़ी से एक्सट्रैक्ट हो रही है। ये एक सॉफ्ट ब्रशेज ब्रश है जो कि हमारे स्टोर के ऊपर ये भी पैक ऑफ 5 अवेलेबल है। हम उसके साथ अपनी गाड़ी की जो माइनर डिटेल्स हैं डोर हैंडल्स के अंदर, चैनल्स के अंदर, और ब्रशिंग कर लेंगे ताकि डर्ट साथ साथ इसकी निकलती आए। फोमिंग का बेसिकली एक्चुअली पर्पज़ यही है कि आप फोमिंग के साथ साथ इसके कंटेनमेंट डर्ट ऐसे ऐसा लूज होनी शुरू हो जाए। फोमिंग के बाद हमारे पास कारगी का डीग्रीजर है जिससे हम अलॉय रिम्स और इनर चेसिस वाली साइड को डीग्रीज करेंगे ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। ब्रेक डस्ट और कैलिपर की जो डस्ट है वो आपको रिम्स के ऊपर क्लियर नज़र आती है जो कि समटाइम जो है आपको एक येलो या ब्राउन टोन छोड़ जाती है। उसके अलावा क्योंकि 4x4 है तो इसके अंदर चेसिस वाली साइड पे भी हम थोड़ा डिग्रीज स्प्रे कर देंगे। डिग्रीजर की अगर आपको झाग तक की बात करें तो ये अच्छे से काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छी कंसंट्रेशन शो हो रही है हमें ब्रश के साथ साथ और ये हमारी गाड़ी के अलॉय रिम्स को अच्छे से साफ कर देगा। इसने बहुत अच्छे से हमारी डर्ट को लूज़ कर दिया और हम देख सकते हैं कि बर्ड ड्रॉपिंग थी, गाड़ी के ऊपर निशान थे, तो फॉर्मिंग के बाद आराम से उतर गए। इसके बाद हमारी सरफेस रेडी है एक और शैम्पू के गो हेड को ताकि हम इसको डीप क्लेंस कर सकें और इसके लिए मैं कारगी का वॉश एंड वैक्स शैम्पू यूज़ करूँगा ताकि मैं चाहूँगा कि गाड़ी वॉश होने के साथ साथ वैक्स हो जाए। फॉर्मिंग की थिकनेस अच्छी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म गाड़ी से उतर रहा है।
तो फोमिंग के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी एक्सट्रीम गंदी थी, तो हमारे पास कारगिक का वॉश एंड वैक्स शैम्पू है। और कारगिक किसके अंदर क्लेम करते हैं कि वॉश के साथ साथ आपकी गाड़ी को शैम्पू के थ्रू वैक्स हो जाएगा। तो हमारी एक साफ बकेट है, साफ बकेट के बाद हमारे पास कारगिक का वॉश एंड वैक्स शैम्पू है, जो कि हम थोड़ा सा बकेट में डाल लेंगे। 5 to 10 ml का शैम्पू हमारी बकेट के अंदर है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और देन इसकी वॉशिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर वॉशिंग मिट हम अपने डिप करेंगे। शैम्पू अच्छा स्लीक शैम्पू है, आपको ये ड्राई फील नहीं देगा, ये अच्छा स्लिक है। तो वॉशिंग मिट को हाथ के ऊपर लोड करते हैं। वॉशिंग मिट से आपके हाथ बच जाएंगे, कुछ नैरो एजेस होते हैं गाड़ी के ऊपर जिसकी वजह से आपके हाथ पे कट लग सकता है या आपको कोई इंजरी हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि वॉश मिट नूडल मिट के साथ आप इसको गाड़ी को वॉश कर लिया करें। तो वॉश एंड वैक्स के बाद इसको हम रिंस करेंगे पानी से, और आप देख सकते हैं कि एक अच्छी स्लीक लुक, गाड़ी का पेंट फ्रेश लग रहा है वॉश एंड वैक्स के बाद ही। तो इंटीरियर के लिए आप देख सकते हैं कि डोर कार्ड की हालत क्या है, तो इसके लिए हम कारगिक का ऑल पर्पज क्लीनर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के एक फिनिश के लिए कि जो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी डर्टी है, इसकी जगह जगह डस्ट फंसी हुई है, तो हम सबसे पहले APC को शेक करेंगे। इसकी खुशबू अच्छी है, बिल्कुल न्यूट्रलाइजर की तरह, कि आपकी गाड़ी में जैसे फैक्ट्री फिनिश का आपका इंटीरियर होता है। ऑल पर्पज क्लीनर अच्छे से हमारी डर्ट को लूज करता जा रहा है। हम देख सकते हैं इसके अंदर कि ये क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारे इंटीरियर में से। ऑल पर्पज क्लीनर फैब्रिक के लिए भी सेफ है, हम फैब्रिक को भी इसके साथ वाइप ऑफ कर सकते हैं, इसके ऊपर से डस्ट और जो स्टेन्स है वो भी निकाल सकते हैं। एक डैम्प माइक्रोफाइबर टॉवल जो कि स्लाइटली सकीला है, उसके साथ हम इसको वाइप ऑफ कर देंगे। ऑल पर्पज क्लीन लगने के बाद हमारा डोर कार्ड बिल्कुल साफ हो चुका है, और इसके ऊपर स्टेन्स, दाग्स, वो चीज़ें सब जा चुकी हैं। प्लास्टिक पार्ट के ऊपर से डस्ट हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, और प्लास्टिक अपने असल कलर में आ गया, बट क्योंकि गाड़ी थोड़ी अब्यूज है और ज़्यादा गंदी थी, तो इसके ऊपर हम मजीद इसकी मास्किंग के लिए इस कार की ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, ताकि ये अपने ग्लॉस में वापस आ जाए और इसकी रफनेस डलनेस चली जाए। जैसे कि ये एरिया, मैं इसको फर्स्ट गो में थोड़ा राउंड ज़्यादा दूंगा, ये रबर्स विनाइल उन सब के लिए सेफ़ है। और हम अपने इसको ड्रेस को पैड को भी थोड़ा डैम कर लेंगे। अगर हम कंपैरेटिव देखें तो कारगिक का इंटीरियर ड्रेसिंग इसको अच्छे से ड्रेसअप कर चुका है, और हमारे प्लास्टिक को ये अच्छे से रिस्टोर कर चुका है। कारगिक की जो ड्रेसिंग है वो विनाइल, लेदर, रबड़ के लिए सेफ है, तो हम इसको टायर्स के ऊपर भी स्प्रे आउट कर देंगे, ताकि हमारे टायर्स को एक फ्रेश लुक मिल जाए। टायर्स पे मैं इसको रब नहीं करूँगा, मैं इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा। या अगर आप इवन आउट करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेटर पैड के साथ ड्रेसिंग को इवन आउट कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह हर टायर पर ये लग जाए। तो कारगिक की कंप्लीट रेंज के साथ आप अपनी गंदी से गंदी गाड़ी को बड़े अच्छे से घर बैठे साफ़ कर सकते हैं, और इसकी कंप्लीट रेंज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। और आपने इस वीडियो में देखा कि आप कैसे गंदी गाड़ी को जो है एक साफ़ चमचमाती गाड़ी बना सकते हैं। तो कार कंप्लीट की कंप्लीट रेंज हमारे पोर्टल पर अवेलेबल है, जो कि आपको इंडिविजुअल लिंक्स के साथ नीचे नजर आ जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक और डिटेल रिव्यू के साथ। अब तक ख्याल रखें, हाफिज़।